तो न्यूज 18 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ श्वेता रश्मि और आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, परेश पहुजा एंड रागिनी टंडन, जिनका लेटेस्ट ट्रैक अभी अभी बिल्कुल अभी अभी रिलीज हुआ है. एंड हम इनसे बहुत बातें करेंगे, इनके सॉन्ग के बारे में और कुछ और चीजें भी जानेंगे. रागिनी यहाँ पे हैं और हम इनके बहुत ही पॉपुलर ट्रैक, मतलब पॉपुलर अंडरस्टेटमेंट, वायरल, उसके बारे में अगर हम बात ना करें तो ना इंसाफी होगी. तो जिससे पहले मैं आपको बताऊं, अब जरा यू हैव टू, मतलब इट्स ऑब्वियस. ओके, लंबरगिनी चलाई जाने ओ, सानू भी छुटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ, सानू भी छुटा दे दो, किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ. थैंक यू. Great. सबसे पहले तो मुझे इस गाने के बारे में आपसे बात करनी है. How did this song happen? कैसे सब कुछ हुआ इस गाने पे? तो कुछ दो साल पहले, नहीं ढाई साल पहले, 2.5 years ago, I was planning to move to London for my masters. And उस टाइम पे मेरा एक गाना पहले आ चुका था called नहीं जाना. And दूरबीन ने वो इंस्टाग्राम पे यू नो लेफ्ट राइट पोस्ट करते रहते हैं, कवर, दोस्तों के साथ गालियाँ एंड ऑल दैट चलता ही रहता है. तो ऐसी पोस्ट देख के एंड देन नहीं जाना देख के दूरबीन कॉन्टैक्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम. एंड सो मच फॉर सोशल मीडिया, इतना अपॉर्चुनिटीज कम टू यू थ्रू ऑल ऑफ दैट. एंड बस उन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया एंड वी मेट, वी सैट ओवर अ वीकेंड, वर्कड ऑन द सॉन्ग, रिकॉर्डेड इट. And yeah, that's how Lamborghini happened, literally. And what was your reaction like? Because I mean, I'm sure you did not anticipate that it would be so much viral. Yeah, like I've been saying, that I didn't honestly know that it would be released. It's okay. Like at that extreme, that I had fun. I met these people. I liked the work that they were doing, so record kar diya. It's just exactly that. And of course I had no idea this is going to happen. So काफी overwhelming है, जिंदगी पलट गई है पूरी की पूरी. क्या करना था, क्या सोचा था, क्या कर लूंगी, क्या जॉब ले लूंगी. Lamborghini ली very soon after this song. I hope so. I'm sure you will. Okay, talking to Paresh now. आपने काफी ad films में काम किया है, आपने web shows में भी काम किया है, if I'm not wrong. And you made your debut with Salman Khan in Tiger Zinda Hai. How did that happen? And how was the entire experience of working with Salman Khan? How it happened is a very magical story. I was sitting in a cafe in Varsova, in Andheri. And casting director Shanu Sharma was also sitting there. And he saw my ad. So when I was leaving, she came and said, I saw your ad. And we were casting a film. कल आके आप हमारे साथ ऑडिशन करिए. सर ओके. एंड इन नो टाइम आई वेंट द नेक्स्ट डे आई ऑडिशन. एंड मुझे अभी तक कुछ बताया भी नहीं था कि ये कौन सी फिल्म है, क्या है. तो मैं भी गया, ऐसे ऑडिशन दिया. फिर थोड़े दिन बाद एक और राउंड के लिए बुलाया. फिर एक महीने बाद कॉल आया कि यू आर लॉक्ड फॉर दिस फिल्म. आई सेड व्हिच फिल्म. एंड देन दे सेड दिस इज टाइगर जिंदा है एंड सलमान खान. आई वाज लाइक वाओ, दिस इज रियली हैपनिंग. और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ Salman sir was so personal because he keeps you like a family. He takes care of you. Small things, like I'll give you an example. I told him shuruaat mein ki jab hum lunch kar rahe the first time saath mein, to maine bataya unko ki main vegetarian hu. So next time se jitne din bhi hum shoot kar rahe the, he made sure that there was enough vegetarian food for me on the table. So he notices these small things. And so more than the shooting part of it, I loved being around him and, you know, just seeing him, how he is. And he treats his people really, really well, takes care of everybody. So, aapka gana release ho chuka hai and it's getting amazing views. Aisa ho hi nahi sakta ki aap matlab gaane ki do line na gaye. Bilkul gaayenge hum to. Please. Bilkul. Abhi to nazare mili hai, इसे प्यार तो ना कहो. अभी जो वादे किए हैं,
इकरार तो ना कहो इसे प्यार क्यों ना कहो. ग्रेट, अमेजिंग. ओके, अब मैं आपसे, क्योंकि ये गाना इट सेलिब्रेट्स लव एंड ये वैलेंटाइंस डे के शुभ अवसर पर रिलीज हुआ है, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. यस, एंड यू विल हैव टू टेल मी द आंसर्स टू दिस. ओके, फेवरेट जोड़ी, मतलब अगर हम ऐसे बॉलीवुड में देखें एंड यू नो द रोमांटिक पेयर सो टू स्पीक, फेवरेट जोड़ी हु? सैफ करीना, शाहरुख खान, काजोल. ओके, फेवरेट रोमांटिक फिल्म? मेरी रॉकस्टार. आई डोंट नो, आई कांट डिसाइड. नो फेवरेट रोमांटिक फिल्म? नथिंग. नो. ओके, कुछ कुछ होता है. ओके, आई टेक दैट फॉर एन आंसर. फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग? कलंक दीस डेज. If we talk about today, yeah. Okay. Aadil hai mushkil. Would you please sing a little? मैं गाऊँ पहले. हाँ, तुम गाओ. तुम गाओ, sorry. तुम गा लो यार. नहीं नहीं गाया. मुझे नोट ही नहीं मिल रहा, तुम गाओ. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे. दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक राजा और हीर जैसी. न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना. कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. ग्रेट, योर टर्न. जमीन पे ना सही तो आसमां में आमिल तेरे बिना गुजारा. सब सोच रखा है इन्होंने पहले से. नहीं नहीं, मुझे लग रहा है. I would like to stay in, order food and watch a film together. Perfect, agreed. Okay. Your favorite Valentine memory, if you have any? Oh no, I don't. I do. Please. Go for it, of course. I don't really. My favorite Valentine memory was that I broke up on a Valentine's Day. And that's your favorite? That's no, your no. Why that popped up? No, I didn't. I'm just kidding. I don't have a favorite memory, actually. No, I didn't. Don't have like a... like I've never celebrated the day. Okay. I think it's overrated. My favorite every memory, day is for yeah, love, guys, pyar. My favorite memory would be that I was single. Your idea of your favorite ideal date seems to be very different from what people have. No, no, no. My idols are very different than reality, you know. Yeah. So. True. Yeah. So my favorite Valentine's was when I actually treated myself with a lot of love and I went for a film and I went on a date with myself on a candlelight dinner. I think that's required once in a while. Yeah. We must do that. Yeah. Every month. Yeah. Okay, last. Your favorite yesteryear song which celebrates love? Go for it. Go for it. Main soch rahi hu. Seedha gaaye aap, matlab. Seedha ga le? Seedha ga dijiye. Yesteryear matlab kitna yesterday tak ja sakte hain? Ja sakte hain, thoda to. जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं. जाओ. नहीं, बताओ बताओ आपका. आज सिर्फ हवा ही निकल रही है. कौन सा बताओ तो सही. नहीं, आई एम थिंकिंग इफ इट्स रियली यस्टरडे बिकॉज इट्स नॉट दैट ओल्ड. यू कैन स्टिल, दैट्स ओके. मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं. तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ.
फॉर मी इट विल बी लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले से ग्रेट तो परेश और रागिनी का गाना अभी अभी काफी टाइम पहले मतलब अभी अभी तो नहीं रिलीज हुआ है हो गया उसको काफी टाइम एंड इट्स गेटिंग रियली गुड रिव्यूज तो अगर अब तक आपने चेक नहीं किया है तो अभी अभी जाकर के अभी अभी जरूर देखिए चेक कीजिए।